जो ये कहा था कि सपा को उसके दलित विरोधी कृत्यों का जैसे को तैसा जवाब देने के लिए यूपी में जल्द ही आगे होने वाले एमएलसी के चुनाव में सपा के दूसरे खड़े किए गए प्रत्याशी को हराने के लिए बीएसपी को चाहे बीजेपी व अन्य किसी भी सपा प्रत्याशी के मुकाबले में भारी पड़ रहे, अकेले मैंने बीजेपी की बात नहीं कही थी, मेरा प्रेस नोट भी जारी हुआ है और मेरा बर्बली बयान भी है। तो मैंने इनके ये जो दलित विरोधी कृत्य थे तो उसका जैसे को तैसा जवाब देने के लिए यूपी में जल्द ही आगे होने वाले एमएलसी के चुनाव में सपा के दूसरे खड़े किए गए प्रत्याशी को हराने के लिए बीएसपी को चाहे बीजेपी व अन्य किसी भी सपा प्रत्याशी के मुकाबले में भारी पड़े या एमएलसी के प्रत्याशी को यदि वोट देना पड़ता है तो हम जरूर देंगे, लेकिन सपा के दूसरे खड़े किए गए एमएलसी के प्रत्याशी को हम किसी भी कीमत पर जीतने नहीं देंगे। और इस पर बीएसपी अभी भी कायम है, अपने इस बयान पर बीएसपी अभी भी कायम है। हालांकि मेरे इस बयान को खासकर कांग्रेस व सपा आदि के लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए इसे काफ़ी गलत तरीके से भी प्रचारित कर रहे हैं, मुझे ये मालूम हुआ है, ताकि यहाँ खासकर मुस्लिम समाज के लोग बीएसपी से अलग हो जाए। और ये जो यूपी में 7 विधानसभा की सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहा है तो इस बाई इलेक्शन में मुसलमानों का वोट बीएसपी को ना पड़े, ये इसको गलत तरीके से मेरे इस बयान को प्रचारित कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब जब यहाँ समाजवादी पार्टी सत्ता में आई है तो तब तब यहाँ बीजेपी काफ़ी मजबूत हुई है तथा फिर ये सत्ता में भी आसीन हुई है ये पार्टी, और सपा के खास वजह से ही अभी भी ये पार्टी यहाँ सत्ता में आसीन है। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी अवगत कराना चाहती हूँ कि बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के बावजूद भी बीएसपी ने अपने चारों रहे शासनकाल में यहाँ एक भी हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं होने दिया है, यह आप लोग रिकॉर्ड उठाकर देख सकते हो। लेकिन बीजेपी की विचारधारा ठीक इसके विपरीत है, ठीक इसके बिल्कुल विपरीत है। तो ऐसे में बीजेपी के साथ गठबंधन करके देश में कोई भी चुनाव लड़ना बीएसपी के लिए संभव नहीं हो सकता, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, या इस समय जो प्रचार कर रहे हैं कुछ गलत कि बीएसपी ने बाई इलेक्शन में बीजेपी को समर्थन दे दिया है, कुछ वीडियो वायरल भी कर रहे हैं बुलंदशहर की सीट को लेकर, ये बिल्कुल गलत है, झूठ है। तो अभी तक हमने कोई अलायंस नहीं किया है तो ये बाई इलेक्शन में क्या करेंगे, ये तो 7 सीटों का मामला है, इसमें हम क्या करेंगे। तो ऐसे में बीजेपी के साथ गठबंधन करके जब इनकी आइडियोलॉजी इनकी विचारधारा हमारी आइडियोलॉजी से ठीक इसके बिल्कुल विपरीत है, तो ऐसे में बीजेपी के साथ गठबंधन करके देश में कोई भी चुनाव लड़ना बीएसपी के लिए संभव नहीं हो सकता है, जिसके कारण फिर उस समय भी हमें अपनी खुद की सरकार छोड़नी पड़ी थी।